लतीफ है, मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया करते थे कि हमारे घर की घरवाली हमसे है पर्दा कर। मैंने पूछा कि हुजूर क्या मतलब, तो बोले हर एक के अंदर रूह मौजूद है लेकिन कोई अपनी रूह को देखा नहीं। अगर आप में से कोई देखा हो तो बताओ। वो पर्दे में है, उसका मकाम वो मालाए आला से आई हुई है, और ये वजूद जो है यहाँ के माद्यात से बना हुआ है। बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, ये इल्मी बात नहीं, तसव्वुफ की बात। अब हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ तो वही बात चल रही है। मेंबर रसूल के बात पास की बात अलग है, महाफिल खास की बात अलग है। तो अब तो ये वजूद अलग है, रूह मालाए आला से आई हुई। सूरे बनी इसराइल में है, कुछ लोग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाए कि बताइए कि रूह क्या है। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाया, कुल्ली रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह अल्लाह का अम्र। तो अब रूह का मुकाम अलग है, जिस्म का मुकाम अलग है। जिस्म जो बना यहाँ की चीजों से बना। अब मेरी भाभी जान जो पर्दा फरमाए, जिनके जवाब में हम और आप सब हाजिर हुए हैं, उनका वजूद जिस जगह से बना था उस जगह पर रखा गया, और उनकी रूह मुबारक कहाँ से आई थी, वहां लौट कर गई। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आम लोग मुसलमान के, मुसलमानों के यहाँ रिवाज है, जब किसी के मरने की मैयत की बात खबर सुनते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है और इसे अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। एक बड़े नुक्ते की बात है, हाफिज साहब ने, हमारे खतीब साहब ने, हाफिज साहब ने पढ़ दिया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात इतनी